हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज फिर रिवीजन में आपको चैप्टर फर्स्ट का वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपको रिवीजन होगा। और आप कॉपी खोल लीजिए, आपके पीडीएफ भी भेजा जा चुका था। जो लोग वीडियो से नहीं लिख पाए थे वो लोग पीडीएफ खोल करके और बैठ जाएंगे। समझ में आया? तो पीडीएफ खोल लीजिए, क्वेश्चन खोल लीजिए, आपको जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको हम बताते हैं और याद करते जाइए। हमको उम्मीद है कि आप लोग सब लोग याद कर लेंगे जब मैं बता दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। कह रहे कि व्हाई डू वी नीड फूड, हमें व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की क्यों जरूरत होती है? आप बताइए, थोड़ा सोच के बताओ कि आप भोजन क्यों करते हैं। भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? चलो बता रहे हो, सही है, जिंदा रहने के लिए है? तुम क्या कर रहे हो? काम करने के लिए, ये भी सही है। देखो ये क्या कर रहे हैं, बढ़ने के लिए, ये भी सही है। एक्टिव रहने के लिए, ये भी सही है। चलो जो भी बता रहे हो आप लोग सब सही है। तो ये जो भोजन है वह भोजन हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, हमें ग्रोथ करने के लिए चाहिए, हमें रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए। मतलब आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एक लाइन में वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, हमें भोजन जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए हमें चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस छुट्टी में आप बड़े हो भी गए होंगे, और मेरा आशीर्वाद भी है कि आप बहुत लंबे हो, हमसे भी लंबा हो जाओ, 6 फुट से बड़ा हो और इतना पढ़ो कि देख करके मन खुश हो जाए, 6 फीट से ऊपर सब हो जाओ। तो वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, हमें भोजन जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द लीव्स ऑफ व्हिच टू प्लांट्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। करें कि दो पौधों के नाम बताइए जिसके लीव्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मतलब दवा के रूप में यूज किया जाता है। बोलो कौन कौन सा है? नीम, बिल्कुल सही। तुम क्या बोल रहे हो? मिंट, ये भी सही है। तुम क्या बोल रहे हो? तुलसी, बिल्कुल सही है। तो नीम, तुलसी, मिंट, माने पुदीना। पुदीना हरा खाते हो ना? स्कूल में जब पेट में दर्द होने लगता है तो सीधे पहुंचते हो त्रिपाठी जी के पास, तो त्रिपाठी जी क्या देते हैं? पुदीना हरा देते हैं। तो ये जो नीम है, तुलसी है और पुदीना, नीम, तुलसी एंड मिंट, इन पौधों के जो लीव्स की जो है मेडिसिनल वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हिच फूड आइटम्स आर रिच इन आयोडीन। करेक्ट, व्हिच फूड आइटम इज रिच इन आयोडीन, कौन सा फूड आइटम जो है आयोडीन में रिच होता है? मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन बताए गए थे, फिशेस, प्रॉन्स एंड क्रैब्स आर रिच इन आयोडीन। फिश, प्रॉन और ये क्रैब्स आयोडीन में रिच होते हैं, मतलब इसमें आयोडीन ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज सोर्स ऑफ टी एंड कॉफी। करेंगे टी और कॉफी का क्या सोर्स है, स्रोत क्या है टी और कॉफी के, टी और कॉफी के क्या स्रोत है? दूसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ टी एंड कॉफी, टी और कॉफी के सोर्सेस क्या हैं? आप देखिए, और तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या था? तीसरा, व्हिच फूड आइटम्स आर रिच इन आयोडीन, और इसमें क्वेश्चन में यहां देखिए, थोड़ा पल्सेस, सोयाबीन और मिल्क,
आपके जो पीडीएफ भेजा गया है उसमें देखिए गलती से जो है पल्सेस सोयाबीन और मिल्क लिख दिया गया है, जो कि पल्सेस सोयाबीन और जो मिल्क है हमने जो है प्रोटीन हमको ध्यान में आया था। तो क्वेश्चन में जो है वेरी शॉर्ट आइटम्स व्हिच फूड आइटम्स आर रिच इन आयोडीन, और इसमें जो है गलती से देखो हमने नोट जब बनाया है तो पल्सेस सोयाबीन और मिल्क लिख दिए हैं। यहाँ देखो जो हमने नोट बना करके आपके पीडीएफ पे भेजा है, यहाँ देखो पल्सेस सोयाबीन और मिल्क, जो कि ये क्या है गलत है। तो इसलिए आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप सही कर लीजिएगा, उसमें प्रॉन फिश और क्रैब लिख लीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि कल आपको जो है एक उसको सुधार करने करके भेज दें। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि टी और कॉफ़ी किससे प्राप्त किया जाता है। तो टी जो होता है वो टी प्लांट्स के लीव्स से, टी इज प्रिपेयर्ड, टी इज ऑब्टेंड फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राइड सीड्स ऑफ कॉफ़ी। टी जो है टी प्लांट के पत्तियों से, और जो कॉफ़ी होता है वो कॉफ़ी के सीड्स के प्राप्त किया जाता है कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज हाउस स्पैरो कॉल्ड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर कह रहा कि व्हाई हाउस स्पैरो कॉल्ड ओमनीवोरस, कह रहा कि हाउस स्पैरो जो घर में आपके गौरैया जो पाई जाती हैं, जो पाई जाती है उसको क्यों ओमनीवोर कहते हैं। आप ओमनीवोर जानते हैं, कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनीवोर, मतलब उसको सर्वहारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो स्पैरो होती है वह आपके घर के अनाज भी खाती है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी खाती है और इंसेक्ट्स को भी खाती है, मतलब वो मांस भी खाती है और प्लांट प्रोडक्ट भी खाती है, इसलिए इस स्पैरो को क्या कहते हैं ओमनीवोर। तो आप लिखेंगे हाउस स्पैरो इज कॉल्ड ओमनीवोर बिकॉज इट इट आई टी इट माने यह, इट्स माने खाती है, ई ए टी एस, इट्स बोथ प्लांट्स प्रोडक्ट एंड फ्लैश मतलब इंसेक्ट। क्योंकि जो इस हाउस स्पैरो होती है वो इसको भी खाती है, प्लांट प्रोडक्ट भी खाती है, अनाज को भी खाती है और इंसेक्ट को भी खाती है, इसलिए हाउस स्पैरो को ओमनीवोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है नेम द 5 फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रॉ। 5 फूड आइटम्स के नाम बताइए जिन्हें रा माने कच्चा खाया जा सकता है। बहुत कच्चे आप खाते हैं, क्या क्या खाते हो बोलो बोलो, क्या खाते हो बोलो, रेडिश खाते हो, गाजर, मूली खाते हो, रेडिश, कैरेट बोलो, बीट रूट, टोमेटो, और बोलो, अरे कुछ नाम तो रखो ना, ओनियन, जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीज़ें, तो आप जो चाहे वो लिख दीजिए। तो ये रहा आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आइए देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर स्पाइसेस, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ देम। करे स्पाइसेस क्या हैं, मसाले क्या हैं, संक्षिप्त इन पर कुछ संक्षिप्त में लिखिए। आप जानते हैं स्पाइसेस आर सबस्टेंसेस विच एड फ्लेवर एंड कलर टू द फूड। करें कि जो स्पाइसेस होते हैं वह भोजन में फ्लेवर, सुगंध और कलर को ऐड करते हैं। स्पाइसेस जो होते हैं, स्पाइसेस आर द सब्सटेंसेस विच ऐड फ्लेवर एंड कलर टू द फूड। फूड में फ्लेवर और कलर को ऐड करते हैं। और ये जो स्पाइसेस जो होते हैं वो पौधे के हर भाग से बनाया जाता है। देखो स्टेम से भी स्पाइसेस प्राप्त किए जाते हैं, स्टेम से, फ्लावर से, सीड से, रूट से, बार्क से,
सीड से, हर भाग से। तो आप लिख सकते हैं स्पाइसेस आर प्रिपेयर फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के सभी भाग से स्पाइसेस प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेरी शॉर्ट का, नेम द फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। करेक्ट, फूड प्रोडक्ट्स का नाम बताइए जिसे आप एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। वी गेट मैनी फूड प्रोडक्ट्स, हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स सच एज मीट, फिश, एग्स, सी फूड, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, हनी, घी हैं, ये सारी चीज़ें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ये हमारे जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्क्राइब अबाउट हर्बीवोरस एनिमल्स इन शॉर्ट विथ एग्जाम्पल। करें हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में आप संक्षिप्त में बताइए। आप जानते हैं हर्बीवोर शाकाहारी, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जंतु जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। सच एज जैसे बहुत सारे हैं काऊ, गोट, बुफेलो, जिराफ, एलिफेंट, ये सब क्या है हर्बीवोर्स हैं, इनके एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर फोर है विच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स, इन विच कैटेगरी विल यू पुट योरसेल्फ। करके किस प्रकार के एनिमल्स को ओमनिवर कहा जाता है, और अगला क्वेश्चन फिर इसमें है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में पुट करते हैं। आप जानिए द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। ऐसे जंतु जो प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं के मांस को भी खाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं ओमनिवर्स। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। करें कि आप अपने आप को किसमें, द ह्यूमन बींग्स आर कैटेगराइज इन टू, किसमें ओमनिवर्स, मानव जो है वह स्वभाव से ही ओमनिवर होता है। तो वी कैन पुट आवर सेल्फ एज ओमनिवर, हम अपने आप को ओमनिवर में कैटेगराइज करेंगे। गिव टू रीजंस व्हाई फूड इज नेसेसरी फॉर आवर लिविंग बींग्स। करें दो रीजन बताइए कि भोजन, मानव के लिए भोजन क्यों जरूरी है, क्यों जो है भोजन जरूरी है। पहला कि भोजन जो है द फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, फॉर ग्रोथ, भोजन ग्रोथ के लिए जरूरी है, बढ़ने के लिए जरूरी है और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। द फूड इज रिक्वायर, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, या आप लिख सकते हैं फूड इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयर वर्न आउट टिश्यूज, फूड इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयर डैमेज सेल्स, या आप लिख सकते हैं फूड इज नेसेसरी फॉर कीप द बॉडी हेल्दी, शरीर को हेल्दी रखने के लिए भोजन जरूरी है। फूड इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीजेज, अपने शरीर को रोगों से फ्री रखने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। वी नीड फूड टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। तो इस तरह से बहुत सारे भोजन के फंक्शन है जिसकी वजह से हमें भोजन की जरूरत होती है। अगर भोजन न करें तो हमारे शरीर की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल प्रभावित हो जाती है, शरीर जो है रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, रोगों से लड़ नहीं पाएंगे। तो रोगों से लड़ने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, टिश्यू जो डैमेज है उनको रिपेयर करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।